तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। तो गाइस, अगर आप लोग भी कुछ इस प्रकार का स्वतंत्रता दिवस का पोस्टर एडिटिंग अपने मोबाइल फ़ोन से करना चाहते हो बिल्कुल आसान तरीके से कुछ इस प्रकार से, तो गाइस बन रही है हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं सबसे आसान तरीके से ऐसा पोस्टर एडिटिंग करने को बताने वाला हूँ। और गाइस, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पोस्टर का PLP फाइल का लिंक मिलेगा, जिसको मैंने एक जीप फाइल के अंदर रखा हुआ है। तो जीप फाइल में पासवर्ड लगा हुआ है, तो पासवर्ड आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बिना स्किप के वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ताकि आप लोग भी ऐसा पोस्टर बना सको। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पिक्सल ऐप है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को हम लोग ओपन करते हैं। तो पिक्सल ऐप एप्लीकेशन ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको सिंपल से 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा open.plp फाइल, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपको ऊपर की तरफ 3 ऑप्शन होंगे, तो उसमें से भी आपको PLP वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आप लोग इस पोस्टर के जिप फाइल को डाउनलोड करके उसमें पासवर्ड डालकर जब अनजिप करोगे, तो आपका PLP फाइल का लिंक यहीं पर आएगा नीचे की तरफ आपका। तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं पिक्सल लैब में मराया हूँ, तो चलो पिक्सल लैब ओपन करते हैं। पिक्सल लैब ओपन होने के बाद गाइस, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा स्वतंत्रता दिवस पोस्टर 6 PLP करके, तो इस पर आपको क्लिक करके ओपन एंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा एक बार बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद गाइस देख सकते हो कि हमारा बनाया हुआ पोस्टर कुछ इस प्रकार से ऐड हो चुका है। तो इसमें से आप जो चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे कि ये वाला फ़ोटो हटाकर यहाँ पर अपना एक फ़ोटो लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो चलो गाइस, मैं सबसे पहले यहाँ पर इस फोटो को यहाँ से डिलीट करता हूँ और एक दूसरा फ़ोटो ऐड करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले इस फ़ोटो पर टाइप करके इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद गाइस, आपको इस वाला ऑप्शन पर आना है, इनपुट पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इनपुट पर क्लिक करोगे तो यह डायरेक्ट आपके गैलरी के अंदर लेके जाएगा, तो वहाँ से आप लोग अपना फ़ोटो चूज कर लेना है। तो चलो गाइस, मैं कुछ फ़ोटो को PNG बनाया हूँ, तो उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। और गाइस, आप लोगों को PNG फ़ोटो नहीं बनाने आता है, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप देखकर PNG फ़ोटो बना सकते हो। तो चलो गाइस, मैं एक फ़ोटो को सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे कि मैं ये वाला फ़ोटो को सेलेक्ट किया हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद गाइस, आपको थोड़ा सा लेफ्ट और राइट साइड के से दोनों तरफ से फ़ोटो को थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है कुछ इस प्रकार से। और करने के बाद गाइस, यहाँ पर एक सही का निशान मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर एक बड़ा सा बिंदु मिलेगा, तो इस पर आपको टाइप करके आप फोटो को इस फ्रेम के हिसाब से जितना रखना चाहते हो रख सकते हो। तो देख सकते हो गाइस कि यहाँ पर मैंने इस फ्रेम में इस फोटो को एडजस्ट, और देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ नाम लिख रखा है। तो इस नाम वाले ऑप्शन पर डबल टाइप करके यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि आप जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, और इधर भी लिख सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये वाला वीडियो पसंद आया। तो मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग पोस्टर एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।